एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। रांची से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 29 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस समय की, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 29 सितंबर को होने वाली इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किए जा सकते हैं, जिन प्रस्तावों को पिछले कैबिनेट की बैठकों में सरकार की ओर से पास किया गया है, उन प्रस्तावों को विधानसभा में पेश करने की संभावना को देखते हुए ये जानकारी सामने आ रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में जो 29 तारीख को प्रोजेक्ट भवन में बुलाई गई है, उसमें विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी सरकार तारीख पर फैसला ले सकती है। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं 29 सितंबर को होने वाले इस कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या संभावनाएं दिख रही है। देखिए बिल्कुल, अभी तक 29 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्या सी लगाया जा रहा है कि 29 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 1932 को लेकर सरकार ने जो फैसले लिए हैं खाद्यान्न को लेकर, उसे कहीं ना कहीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वो पारित कर सकते हैं, या फिर आरक्षण की बिल हो या फिर खाद्यान्न नीति की बात हो। तो 29 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री संभवतः विशेष सत्र बुलाने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा कई विकास एजेंडों पर सरकार बैठक के दौरान रायशुमारी करके कैबिनेट में बात कर सकते हैं। आपने देखा बैक टू बैक जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और लगातार सरकार ने कई तोहफे झारखंड वासियों को दिया, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात हो, सहिया आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि की बात हो, या फिर 1932 खाद्यान्न आधारित नीति की बात हो। तो ऐसे कई फैसले राज्य सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। क्या ये लगाया जा रहा है कि 29 तारीख को होने वाले कैबिनेट की बैठक में फिर से सरकार कोई नई विकास योजनाओं को स्वीकृति दे सकते हैं। बिल्कुल सूरज, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।